लेकिन हमारे दो सहयोगी विकास भदौरी और पंकज झा लगातार वो जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं जिसका इंतजार दर्शक 10 मार्च के बाद से ही लगातार कर रहे हैं। विकास, सस्पेंस तो कई चीजों पर बरकरार है, लेकिन इस वक्त आप बड़ी खबर दे रहे हैं हमारे दर्शकों को, बताइए। जी हाँ बिल्कुल, देखिए और मुझे लगातार उन लोगों के कॉल आ रहे हैं जो उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं, क्योंकि आधिकारिक जानकारी एबीपी न्यूज़ ही दे रहा है। देखिए अभी तक आधिकारिक तौर पर सरकार की तरफ से कोई किसी भी उम्मीदवार को कॉल नहीं किया गया है, लेकिन उससे पहले आधिकारिक जानकारी एबीपी न्यूज़ पर आ रही है और लगातार कॉल आ रहे हैं मुझे। देखिए तीन नाम और बता देते हैं, नंद कुमार नंदी जो कि योगी कैबिनेट का हिस्सा थे वो इस बार फिर से मंत्री बनने जा रहे हैं, प्रयागराज से विधायक हैं, उनको इस बार योगी कैबिनेट का फिर से हिस्सा बनाया जा रहा है, रिपीट किए जा रहे हैं। भूपेंद्र सिंह इनको भी जाट नेता हैं, इनको भी दोबारा से मंत्री बनाया जा रहा है, जबकि धर्मपाल सिंह इनको भी मंत्री बनाया जा रहा है। ये तीन वो चेहरे हैं जो योगी कैबिनेट का हिस्सा होंगे, शाम को 4 बजे शपथ लेंगे। इसके अलावा एक और बड़ी खबर, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह उनको योगी कैबिनेट का हिस्सा बनाया जा रहा है। आपको पता है कि वो योगी कैबिनेट का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन जब उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तो योगी कैबिनेट का हिस्सा, देखिए उन्होंने संगठन पूरी तरह से संभाल लिया था। और इस बार जो 2/3 बहुमत से जीत हुई है बीजेपी गठबंधन की, उसका श्रेय उनको भी दिया जा रहा है, इसलिए योगी कैबिनेट का हिस्सा बनाया जा रहा है। हालांकि सूत्रों ने हमें यह भी बताया कि वो इस बात से थोड़ा सा खफा थे कि उनको इस जीत का सेहरा डिप्टी सीएम यानी कि उपमुख्यमंत्री बना के नहीं दिया जा रहा है, बल्कि कैबिनेट मंत्री बना के दिया जा रहा है, जो वो पहले भी थे। लेकिन आखिरकार संगठन के जो निर्णय होते हैं वो सर्वोपरि होते हैं, बीजेपी के जो संगठन के कार्यकर्ता हैं वो इस बात को अच्छे से समझते हैं, थोड़ी बहुत नाराजगी के साथ उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया है और वो योगी कैबिनेट का हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो चार नाम और बताए आपको, स्वतंत्र देव सिंह उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष है, योगी कैबिनेट का हिस्सा होंगे, इसके अलावा नंद गोपाल नंदी जो कि योगी कैबिनेट का हिस्सा थे उनको फिर से मंत्री बनाया जा रहा है, धर्मपाल सिंह को मंत्री बनाया जा रहा है और भूपेंद्र सिंह को मंत्री बनाया जा रहा है जो कि जाट नेता हैं। आदर्श, एक बार मैं पंकज जी का भी रुख करूंगा, विकास आप रहे हमारे साथ, पंकज विकास बड़ी जानकारी दे रहे हैं, चार नाम और जोड़े विकास ने, नंद गोपाल नंदी को भी रिपीट किया जाएगा, धर्मपाल सिंह हो गए और उसके अलावा स्वतंत्र देव सिंह, जिस तरह की मेहनत उन्होंने की, संगठन को जिस तरह से मजबूत किया, इनाम तो मिल रहा है लेकिन मन के हिसाब से नहीं मिल रहा है, इसको लेकर थोड़ी नाराजगी भी है क्या? देखिए इस बात को लेकर नाराजगी है और विकास सही कह रहे हैं, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहते थे कि स्वतंत्र देव सिंह जो यूपी बीजेपी के अध्यक्ष हैं और वो भी पिछड़ी बिरादरी के हैं तो उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया जाए, वो इस बात के लिए लामबंदी कर रहे थे और ये कहा भी जा रहा था। इसी बात को लेकर के ना पिछले कुछ दिनों से डिप्टी सीएम को लेकर सस्पेंस बना हुआ था, स्वतंत्र देव सिंह को भी लग रहा था कि शायद इस बार उनकी किस्मत का ताला खुल सकता है। पिछली योगी सरकार में वो राजमंत्री थे स्वतंत्र प्रभार के, उनको ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बनाया गया था, बाद में उनको प्रमोट भी किया गया था, फिर वो प्रदेश अध्यक्ष बन गए और उनको लगता है जिस तरीके से 2017 में प्रदेश अध्यक्ष थे केशव प्रसाद मौर्य, उन्हें डिप्टी सीएम बना दिया गया, उनको लग रहा था इस बार भी पार्टी की जीत हुई है, सरकार दोबारा रिपीट हो रही है तो क्यों ना उन्हें भी ये तोहफा मिले, उन्हें ये इनाम मिले, और इस बात को लेकर वो बहुत परेशान भी थे। कल भी लगातार उनके साथ बैठकों का दौर जारी रहा, बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व योगी आदित्यनाथ से भी कई बार मुलाकातें हुई, लेकिन जैसा कि विकास कह रहे हैं और ये वास्तव में है कि बीजेपी में डिसिप्लिन सर्वोपरि है और ये कहते हुए कि मैं समर्पित कार्यकर्ता हूं, पार्टी का जो आदेश है फैसला है वो मानने को तैयार हूं। जी बिल्कुल पंकज जी, तो ये कह सकते हैं कि सभी जो आलाकमान का डिसीजन होगा उसे मानने के लिए तैयार है, और साथ ही आगे जाकर हम ये भी देख सकते हैं कि जो संगठनात्मक बदलाव होंगे वो भी बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि स्वतंत्र देव सिंह को मंत्री बनाया जाएगा और उसके बाद कौन प्रदेश अध्यक्ष बनता है इस पर भी सभी की निगाह होंगी कि पार्टी को अब कौन संभालेगा। पंकज आपके पास आएंगे इस वक्त, एक बार विकास का रुख कर लेते हैं, विकास के पास एक बड़ी खबर है। जी विकास जल्दी बताइए। आदर्श देखिए इस वक्त ये एक और बड़ी खबर है, कल आपने देखा था कि योगी के जब विधायक दल के नेता चुने गए उसके बाद तमाम जो सहयोगी दल थे उन्होंने भी वहां पर समर्थन दिया था और बाद में राज्यपाल के समर्थन पत्र देने गए थे। इन सहयोगी दलों के दो नेताओं को योगी कैबिनेट का मंत्री बनाया जा रहा है, इस वक्त की बड़ी खबर एबीपी न्यूज पर। अपना दल से आशीष पटेल को अपना दल से योगी कैबिनेट में जगह दी जा रही है। आशीष पटेल अनुप्रिया पटेल केंद्रीय मंत्री के पति हैं और
अपना दल के अध्यक्ष भी हैं। इसके अलावा आपको बता दूं, आशीष पटेल को मंत्रिमंडल में जगह दी जा रही है, एक मंत्री अपना दल से लिया जा रहा है, वो आशीष पटेल हैं। इसके अलावा संजय निषाद को, निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं जो बीजेपी के गठबंधन के साथ मिलकर लड़े थे, उनको भी योगी कैबिनेट में जगह दी जा रही है। तो दो सहयोगी थे बीजेपी के उत्तर प्रदेश में, अपना दल और निषाद पार्टी। तो अपना दल से आशीष पटेल को मंत्री बनाया जा रहा है, जबकि निषाद पार्टी से संजय निषाद को मंत्री बनाया जा रहा है, जो कि निषाद पार्टी के भी अध्यक्ष हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर एबीपी न्यूज पर, जो एनडीए ने कल समर्थन पत्र दिया था, उसमें से दो नेता अपना दल के आशीष पटेल और संजय निषाद, निषाद पार्टी के, वे भी वहां मौजूद थे, विधायक दल में भी मौजूद थे। इन दोनों को योगी कैबिनेट में जगह दी जा रही है, और ना केवल जगह दी जा रही है बल्कि दोनों को कैबिनेट मंत्री भी बनाया जाएगा। शाम को 4 बजे जब शपथ ग्रहण समारोह होगा, तो आशीष पटेल अपना दल के और संजय निषाद, निषाद पार्टी के, ये भी शपथ लेंगे। आदर्श, एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।